नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित हो सकता है पाक, याचिका ने बनाया रिकॉर्ड। पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित करने की मांग करने वाली याचिका को 50,000 से अधिक नए हस्ताक्षर मिल जाने से यह अमेरिका में अब तक की सबसे लोकप्रिय याचिका बन गई है। हम लोग प्रशासन से पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित करने की अपील करते हैं। याचिका को 6,13,830 हस्ताक्षर मिले, जिसे व्हाइट हाउस ने पुरालेख में दर्ज किया। याचिका पर हस्ताक्षरों की संख्या मंगलवार दोपहर तक 51,939 नए हस्ताक्षरों के साथ 6,63,769 पहुंच गई। ऐसा माना जा रहा है कि अब तक की सबसे लोकप्रिय व्हाइट हाउस में ये याचिका बन गई है। किसी भी व्हाइट हाउस याचिका ने अभी तक 3,50,000 का आंकड़ा पार नहीं किया है। व्हाइट हाउस की ओर से इस याचिका पर निर्धारित 60 दिनों के समय में आधिकारिक प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है। युद्ध की आशंका प्रबल, कस्बों से भी पलायन। युद्ध की आशंका अब और बढ़ गई है। नतीजन पाक हवाई हमलों की रेंज में आने वाले सीमाई कस्बों से भी पलायन आरंभ हो गया है। जिन कस्बों से पलायन आरंभ हुआ है उनमें अखनूर, पल्लावाला तथा जोड़िया सेक्टर के कई गांव हैं जो सीमा से तो सटे हुए नहीं है, लेकिन इन गांव के लोगों को शंका है कि युद्ध की स्थिति में पाकिस्तानी सेना उनके गांवों पर कब्जा कर सकती है। ऐसी आशंका इन गांव के लोगों को इसलिए है क्योंकि पहले भी 1971 तथा 1965 के युद्धों में पाक सेना इन गांव तथा कस्बों पर कब्जा जमाने में कामयाब रही थी। मिलने वाली खबरें यह भी कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों के वे गांव तथा कस्बे जो रक्षा खाई के इस ओर से आते हैं, से भी सैकड़ों परिवारों में युद्ध की शंका प्रबल होती जा रही है, जिसके कारण वे पलायन करने के मूड में हैं। वानखेड़े विवाद में शाहरुख को पुलिस की क्लीन चिट। मुंबई पुलिस ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में बताया कि अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ वर्ष 2012 में एक आईपीएल मैच के बाद वानखेड़े स्टेडियम में हुए विवाद के मामले में कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता। अदालत ने हाल ही में दाखिल हुए एक पुलिस रिपोर्ट में बताया कि जांच के बाद पाया गया कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं हुआ। एक स्थानीय कार्यकर्ता ने अदालत में घटना को लेकर एक निजी शिकायत दर्ज कराई है। उसने स्टेडियम में सुरक्षा कर्मियों के साथ कथित दुर्व्यवहार मामले में शाहरुख के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। शाहरुख ने पुलिस को बताया था कि उस दिन उनकी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने मैच जीता था और उनके बच्चे तथा उनके मित्र मैदान में चले गए। सुरक्षा गार्ड विकास दलवी ने उन्हें वहां जाने से रोका। खान के अनुसार उन्होंने दलवी को बताया कि उनके बच्चे उनके साथ हैं और कोई उन्हें हाथ न लगाए। उनके बिजनेस मैनेजर बच्चों को स्टेडियम के बाहर ले गए। अभिनेता ने पुलिस को बताया कि किसी ने उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिसके बाद वे अपना आपा खो बैठे थे।